प्रैंक कॉल्स। प्रैंक कॉल्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट होलसम चीज है जो कि मैंने YouTube पर सबसे पहली बार देखी थी। तुम लोगों को बताओ कि मैंने अपना YouTube करियर बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। मेरा उम्र साइज से 13 या 14 साल का था जब मैंने YouTube चैनल बनाया था, लेकिन उस टाइम पहले से भी मैं प्रैंक कॉल्स की वीडियो को देखता था। एंड देन जब मैंने इंडियन क्रिएटर्स को देखना स्टार्ट किया तब मैंने हद से ज्यादा प्रैंक कॉल्स की वीडियोस देखी, क्योंकि प्रैंक कॉल्स की वीडियोस कुछ इस तरीके का कंटेंट होता था जो मेरे को बहुत पसंद था। मेरे को ऐसा फील कराता था कि जैसे कि अबे एग्जैक्टली यही चीज तो थी जो कि मैं करना चाहता था। बट आगे जाके ना लाइक आउट ऑफ द ब्लू यूट्यूब से प्रैंक कॉल्स चले गए। अब तो बहुत कम क्रिएटर्स को प्रैंक कॉल्स की वीडियोस बनाते हुए देखते होंगे, लेकिन यू नो व्हाट, मैं स्ट्रीम करता हूं एंड स्ट्रीम में लोगों को प्रैंक करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एक बार तो मैंने स्ट्रीम में ये प्रैंक किया था कि मेरे को कोई स्टॉक कर रहा है, बट एक्चुअली मैं पूरे एक हफ्ते मैं खुद को ही स्टॉक कर रहा था। तो मैं अगर ये समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, इज वेरी फनी। एक बार मैंने स्ट्रीम पे प्रैंक किया था जहां पर मैं आउट ऑफ द ब्लू स्ट्रीम करते करते बैक रूम्स में चला जाता हूँ। मैं नीचे था अभी मैं अपने आप ऊपर आ गया। ये लाइव स्ट्रीम चल रही है ना पे। वो एक साल पुराना प्रैंक है, बट इट इज वन ऑफ द फनीएस्ट प्रैंक जो मैंने किया था। बट ये सारे तो नॉर्मल प्रैंक्स थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रैंक कॉल्स की, जहाँ पे हम किसी को कॉल करते हैं एंड उनको प्रैंक करते हैं। तो आज से कुछ महीने पहले मैंने अपनी स्ट्रीम पर प्रैंक कॉल्स किए थे एंड उसका एक वीडियो डाला था, जिसमें से जो सबसे पॉपुलर प्रैंक कॉल था वो था यूट्यूबर्स से पैसे मांगने का, जहाँ पर मैं यूट्यूबर्स को कॉल करता था एंड उनसे बोलता था कि मेरे को 500-600 रुपए की जरूरत है, क्या वो मेरे को सेंड कर सकते। वो वीडियो मेरे सेकंड चैनल यानी मेरे स्ट्रीमिंग चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो है अभी। बट उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला कि रचित भाई आप 500 रुपए मांग रहे थे, आप 1000 रुपए मांग रहे थे, ये तो लोग दे देंगे, अगर आप 1,00,000 रुपए या 20,000 रुपए या 50,000 रुपए मांगते तो मे भी लोग ना देते। तो अब इस लाइक मे बी मेरे को एक्चुअली और प्रैंक कॉल्स के साथ एक नई वीडियो बनानी चाहिए। दैट्स राइट एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर एक्चुअली मेरे फेवरेट प्रैंक कॉल्स है जो कि मैंने अपनी स्ट्रीम्स पे करे थे। तो ये कंपाइलेशन है, इसके अंदर टोटल आई गेस 5 या 6 फेवरेट प्रैंक कॉल्स है मेरे, लाइक टॉप टीयर मजा आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं द फर्स्ट प्रैंक कॉल जो कि मेरे बहुत क्लोज है, जो कि किया था मैंने अपने एडिटर को। सो मैंने अपने एडिटर को बोला कि मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और मेरी स्ट्रीम्स वगैरह काम नहीं कर रही है, तो मैं उसको अब पैसे नहीं दे सकता और उसको मेरा काम छोड़ना पड़ेगा। एंड तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि सामने क्या रेस्पॉन्स आया था। हेलो, यो, मैं ये बोल रहा हूँ। सो एक्चुअली मेरे को मेरी स्ट्रीम पे एक स्ट्राइक आ गया, या लाइक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एंड ना रिएक्ट नहीं, एक्चुअली मेरे स्ट्रीम पे लाइक दो स्ट्रीम पे वो आ गया था ना, एज रिस्ट्रिक्शन एंड येलो साइन ना, तो तब से लाइक स्ट्रीम का थोड़ा सीन हो रहा था। तो अभी स्ट्राइक आ गया है एंड मतलब मैं एक हफ्ते तक स्ट्रीम नहीं कर सकता। या सो एंड मेरा मन भी अच्छा नहीं है, तो I'm thinking कि मैं छोड़ रहा हूँ स्ट्रीमिंग। अरे नहीं, मतलब चैनल वगैरह हो गया, ग्राफ वगैरह गिरा गया उसका, मतलब नहीं नहीं ग्राफ तो एक्चुअली हम देख रहे हैं ना, जैसे मैं अभी जापान गया था वहाँ पे कोई सभी स्ट्रीम काम नहीं किया और कोई भी स्ट्रीम पे इतना ज़्यादा नंबर्स नहीं आ रहे, और लाइक तुम लोग का लाइक एडिट्स का पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है और उतना तो मैं अर्न नहीं कर पा रहा वीडियोज से, तो आई डोंट थिंक सो लाइक मैं तुम लोग को पे कर पाऊंगा। अगर मैं तुम लोग को पे करूंगा तो लाइक मैं दिल्ली वाले इस घर का रेंट नहीं पे कर पा रहा, तो दैट्स द थिंग। हाँ, तो आई एम थिंकिंग लाइक तू कोई और एक बार क्रिएटर देख ले लाइक जिस पे तू काम कर पाए, बिकॉज मैं दिल्ली से घर पर जा रहा हूँ। अबे तू हंस रहा है इस पे ब्रो, अचानक क्या हो गया, मतलब ऐसे सीरियस क्यों गए? अबे यार नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा, लाइक मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ ना तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, तो मेरा मन कर रहा है मैं सब छोड़ छाड़ के मम्मी के पास चला जाता हूँ। तू लाइक कुछ नहीं, लाइक मे बी अभी तो 4-5 महीने तो मैं लाइक थोड़ा सा वो करूँगा, लाइक सोचूंगा कि क्या कर सकता हूँ एंड उसके बाद मे बी एडिटिंग ही करूँगा। तू मिथपैड वगैरह या शुभ की एडिट कर सकता है तब तक। अरे पर नहीं यार, मजा आता था अबे, लेकिन मेरे पास अब पैसे ही नहीं है, कहाँ से फ्री में कर लूंगा। अबे यार लाइक अबे आई नो, लेकिन आई फील लाइक कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, लाइक तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तेरे पैसे जो है ना वो मैं तेको भेज दूंगा, ठीक है, एंड नेक्स्ट महीने मैं जा रहा हूँ घर पे वापस, ठीक है यार। चल रो क्यों रहा है तू क्यों रो रहा नहीं है, नहीं,
स्ट्रीमर छोड़ा था, स्ट्रीमिंग क्यों छोड़ रहे हो, करो ना स्ट्रीम, क्या हम फ्री में कर लूंगा रेट, मैंने आईडी को बोल दूंगा आईडी फ्री में कर चल। अरे यार ना 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 ना, मैं ये बोल रहा, हाँ जी, तेरे को प्रैंक कर दिया छी भाई, यू बच्चा कहेगा इतना छोटा सा प्रैंक नहीं समझ पाया तू, देखो लगता है मैं स्ट्रीमिंग इतना जल्दी छोड़ूंगा है, देखो लगता है मैं इतना जल्दी हार मानूंगा, कैसा एडिटर है भाई तू, छी भाई छी डम छी, तू एक्चुअली में डम निकला। अच्छा देखो कैसा, अगर ऑनेस्टली ऑनेस्टली अगर मैं छोड़ दूँ एंड चला जाऊँ, देखो लाइक दिस इज लाइक हर्ट टू हर्ट क्वेश्चन, ओके, देखो देखो कैसा लगेगा अगर मैं कल के दिन चला जाऊं तो ये सब छोड़ के। बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, बताऊं मैं एक्चुअली सच्ची बता रहा हूं, अभी स्ट्रीम पर बोल रहा हूं ये चीज, हां मेरे को लेजिट मोटिवेशन मिलता है तुमसे ब्रो, डोंट डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी फॉर रियल, ये मैंने नाइटी को भी बोली है बात, अरे यार रुला रहे भाई तू, चल बाय 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 बाय। सेकंड प्रैंक कॉल था मनी मांगने का, तो एक्चुअली मैं मनु हम सारे लोग स्ट्रीम कर रहे थे, तो हमारे मन में आया कि ठीक है हम फुकरा इंसान को कॉल करते हैं, अभिषेक भाई मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं, लेट्स सी अभिषेक भाई को मैं मजे मजे में बोलता हूँ कि मेरे को 50,000 रुपए चाहिए है, एंड देखते हैं कि अभिषेक भाई क्या बोलेंगे। हेलो पाजी, आवाज आ रही है मेरी? यार मैं ये बोल रहा था यार, मैं थोड़ा सा बाहर आया था यार, मेरा दूसरा वाला अकाउंट काम नहीं कर रहा, ठीक है, आप बिजी तो नहीं हो वैसे अभी? नहीं नहीं बताओ। अच्छा मैं ये बता रहा था यार, मैं बाहर आया था, मेरा यार दूसरा वाला अकाउंट वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं एक चीज़ ले रहा था, ठीक है, मेरे भाई का कॉल नहीं लग रहा तो मैं उनसे करा लेता, तो मेरे को यार अभी यार 45,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, तो यार आप मेरे, मैं एक वो दे रहा हूँ UPI, उस पर आप भेज सकते हो, मैं शाम तक भिजवाता हूँ वापस। 45 चाहिए, 45, ठीक है मैं नंबर भेज रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो खाएंगे भाई, भाई भैया की पार्टी, पूछा पूछा ही नहीं भाई, आगे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, पांडा गैंग। एंड मेरे को ना शिट, नो फ्रिकिंग वे, नो फ्रिकिंग वे, पैसे आ गए, नो फ्रिकिंग वे ब्रो, रुको रुको इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा ना, पैसे आ गए पैसे, आई मीन मैं फॉर रियल बता रहा हूँ भाई, अंधाधुंध पैसा है भाई फुकरा इंसान के पास, उनको तो सेकंड नहीं लगे पैसे भेजने में, बट देन मैंने उनको दोबारा से कॉल किया एंड उनको बताया इसके बारे में। हेलो पाजी, पाजी यार मैं बता रहा, आपने तो पूछा भी नहीं कि भाई किस लिए मांग रहे हो, क्या नहीं भाई, इतना भरोसा, अब मैं वापसी ना किया तो, अब मैं ये पैसे लेके भाग गया तो, सच्ची मैं पैसे वापस ना करा तो 45,000 कुछ मायने नहीं रखते। अरे मतलब कहीं ना कहीं किसी वीडियो में आपसे वसूल ले। अरे यार ये भी बात सही है यार, मैं ना प्रैंक कॉल कर रहा था, ठीक है ना, मैं स्ट्रीम कर रहा था अभी, ठीक है, तो वी डिसाइडेड एक बार मैं कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई अभिषेक भाई से कि वो क्या करेंगे, मेरे को पता था कि आप भेज दोगे, बट मेरे को ये नहीं पता था कि 3 सेकंड में पैसे आने वाले भाई इतना जल्दी। इसके बाद हमने एक प्रैंक कॉल किया जो कि बहुत ही ज्यादा फनी था, जो कि था आई एम विक्सू के ऊपर। आई एम विक्सू मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक यूट्यूबर है, वो गेमिंग वीडियोस एंड रिएक्शन वीडियोस बनाता है, विक्सू एंड मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, एंड मेरे को बहुत मजा आता है विक्सू के ऊपर प्रैंक करने में। ये वाला प्रैंक ऐसा था कि मनु को विक्सू को प्रैंक कॉल करना है और मनु उसको बोलेगी कि मनु बिग बॉस की टीम से कॉल कर रही है, अगर विक्सू बिलीव कर लेता है कि मनु बिग बॉस की टीम से है तो मनु एक्चुअली में जीत जाएगी, एंड तुम बिलीव नहीं करोगे कि आखिर क्या हुआ। हेलो, एम आई टॉकिंग टू विक्सू? जी। सो वी आर द पीआर टीम ऑफ फ्रॉम बिग बॉस, ठीक है? सो वी वॉच योर वीडियोस एंड वी रियली लाइक योर म्यूजिक स्पेशली, एंड वी वांट कि आप ऑडिशन दें आके। बिफोर बिग बॉस वी टेक सम ऑडिशंस फ्रॉम द यू नो सिलेक्टेड कंटेस्टेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो कहाँ पे देना पड़ेगा ऑडिशन? ये ऑडिशन मुंबई में होगा, अच्छा, ऑन द बिग बॉस हाउस। अच्छा यस, सो आर यू अप फॉर इट? एक सेकंड, आपकी आवाज कट गई। हेलो, कल संडे है तो कल तक। अच्छा, तो मुझे क्या कुछ प्रिपेयर वगैरह करके आने या कुछ ऐसा? नो, वी जस्ट वांट कि आप अपना एक्चुअल पर्सनालिटी दिखाएं। ओके, या ठीक है, फिर मैं आपको इसी नंबर पर रिकॉर्ड बैक कर दूँ, एक बार कंफर्म कर दूँ। आप कितना टाइम लोगे?
मैं शाम तक बताता हूँ आपको। जब बोल रहे कि पीआर टीम को बताना है, ठीक है, मैं बस उनको फाइल दे रही हूँ। ये बिग बॉस ओटीटी का है या मतलब किस चीज़ का, आपने एक बार कंफर्म बताओगे? ये बिग बॉस ओटीटी का है एंड एक्चुअली मुझे अपने पीआर टीम को आपका प्रोफाइल देना है एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप कितना टाइम लोगे कंफर्म करने में, बिकॉज आई हैव टू गिव योर प्रोफाइल इमीडिएटली। नहीं सर, वो है, मैं आपको ऐसे कंफर्म करके बताऊँ उसको बिलीव हो गया, उसको आई थिंक उसको एक्चुअली वो लग रहा है यार विक्सू यार। मेरे को बुरा लग रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अबे रचित बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। अबे बैठनी, हम स्ट्रीम कर रहे थे, हम प्रैंक कॉल कर रहे थे, ठीक है, एंड हमने एक दूसरे को चैलेंज दिया था कि कौन सक्सेसफुल प्रैंक कर सकता था। देखो मनु कॉल कर रहा था अभी ये। अच्छा। शेड भाई देखो बता, तूने मनु को पैसे जिता दिया, हमने ऐसे चैलेंज किया था कि जो प्रैंक सक्सेसफुल कर लेगा ना वो जीत जाएगा। तू कैसे नहीं समझ पाया, वो कितना ज्यादा बबल बबल कर रहा था, उसे बोला भी नहीं जा रहा था सही से। भाई तेरे को पता है, तेरे को पता है, मेरे को लग रहा था, लेकिन यार पता नहीं यार मेरे दिमाग में आया कि भी फक यार। भाई हम लोग ऐसे, मैंने कहा शिट यार, पहले मेरे को लगा कि विक्सू समझ जाएगा, ठीक है ना, नहीं यार नहीं, सॉरी यार भाई सॉरी, अगर देखो कुछ भी पैसा लगाओ भाई। ओके, विक्सू वाली प्रैंक कॉल के बाद मेरे पास एक और आइडिया आया, जो कि आया ट्रिगर्ड इंसान को प्रैंक कॉल करने का। तो आज से कुछ टाइम पहले मैं स्ट्रीम कर रहा था, वहां पे मैंने ट्राई किया था निश्चय को प्रैंक कॉल करने की एंड वो कुछ इस तरीके से गया। हेलो। हाँ यार, मेरे पे ना एक छोटे से गलती हो गई। क्या? यार मैं अभी स्ट्रीम पे ना लाइक प्रैंक कॉल कर रहा था लोगों को एंड धोखे से आपका नंबर लीक हो गया, ठीक है, मैंने स्ट्रीम तो बंद कर दिया अपना अभी। Okay, सच में आई एम सो सॉरी, मतलब फॉर रियल मैं धोखे से स्क्रीन शेयर कर रहा था एंड धोखे से हो गया, लाइक फॉर रियल। नहीं पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मतलब अगर हुआ होता नंबर लीक तो लोगों के कॉल मैसेज आने लग जाते ना। आई मीन अभी मैंने वो कर दिया, लाइक क्या बोलते हैं, स्ट्रीम मैंने बंद कर दिया अपना, लेकिन अगर आई ना, मैंने जैसे ही देखा ना उसी समय मैंने स्ट्रीम प्राइवेट भी कर दिया है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग के पास होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा लोग के पास होगा। अभी तक तो किसी का कॉल मैसेज नहीं आया है, तो आई डोंट थिंक सो कोई सीन होगा। हाँ तो सही है, तो सही है, तो कोई दिक्कत हो गया, किसी का आ गया मेरे को कॉल मैसेज तो बता रहा हूं फिर मैं तेरे। अरे यार मत ऐसे यार, मैंने फॉर रियल जानबूझ के नहीं किया है। चल कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सो सॉरी, अगर कॉल आए ना भाई तो मेरे को पीट, मैं खाना खिला दूंगा, तो मेरे को पीट लेना, ठीक है ना, बट फॉर रियल जानबूझ के नहीं किया मैंने। बट यू नो व्हाट, आई जस्ट प्रैंक्ड यू। मुझे पता है भाई, कुछ नहीं बताया आपको। इसके बाद आती है मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रैंक कॉल एंड ओ माय गॉड डूड, ये तो स्ट्रीम पे हम लोग ऐसे पागल हो गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है, भाई ये लड़की क्या कर रही है, ठीक है। तो ये प्रैंक कॉल किया था मैंने टेंजी के साथ। तो इस प्रैंक कॉल में करना क्या था कि टेंजी अपने एक फीमेल फ्रेंड को कॉल करेगी एंड टेंजी उसको बोलेगी कि टेंजी एक्चुअली मैं बायसेक्सुअल है, ठीक है। तो आई मीन तुम्हें लगा इतना ही प्रैंक होगा, बट इस प्रैंक में थोड़ा सा और एड अप है। टेंजी देन उस फ्रेंड को बोलेगी एक्चुअली मैं, टेंजी को उस लड़की के ऊपर क्रश है जिसको वो ये कन्फेस कर रही है एंड वो चाहती है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे एंड टेंजी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। एंड अगर टेंजी ने उसको बिलीव करा दिया कि टेंजी सीरियस है तो टेंजी ये प्रैंक कॉल जीत जाएगी एंड ये कुछ इस तरीके से गया। हाय ब्रो, व्हाट्स अप, क्या कर रही है? कुछ नहीं अभी तो। अच्छा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी थी। बोलो। सो एक्चुअली देख, मैं तेरे को बहुत दिन से कॉल नहीं कर रही थी ना, इट इज़ बिकॉज कि मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ है कि कुछ मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ है। आई थिंक बोलो। I think I'm bisexual. Oh. Yeah. That's cool. Yeah, मेरे को सबसे पहले तेरे को ही बताना था क्योंकि like you're the closest person ना जो लड़की हो। Oh. अभी बोल कि तू पसंद है। That's very cool. Damn. Yeah. So about that, please गुस्सा मत करना and please don't block me वगैरह।
आई थिंक मुझे तू पसंद है. Wait, hold up, chill, wait a second. I know you have a boyfriend and everything, like, but still, I think I fall for you. Like, मैं वो मुझे तो पसंद है. Like, मैं कैसे समझाऊँ तेरे को, तो समझ नहीं पाएगी यार. I get it. I'm not saying that. Yeah, मैं क्योंकि देख हम बहुत close हो गए थे. Like, मैं तेरे को पूरा बच्ची से बता रही हूँ, चीज़ें share करते हैं, तो you know. तो आई थिंक लाइक फॉर नॉट लाइक फॉर नॉट तेरे लिए नहीं पर फॉर मी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी. फिर मैं क्या बोलूँ अब तेरे को, लाइक समझ पा रही है ना. या गुस्सा यू नो लाइक तब भी तो जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक. अच्छा या जस्ट थिंक अबाउट द कन्फेशन जो मैंने अभी बोला. मुझे अच्छा नहीं लगता जब तू उसके साथ होती है. लाइक व्हेन एवर यू अपलोड फोटोज ऑफ हिम लाइक विद यू. मी टू पर मुझे नहीं लगता मैं हैंडल कर पाऊँगा तेरे को किसी और के साथ देखते हुए. फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक टू सी दोज काइंड ऑफ पिक्चर्स वगैरह वगैरह. एंड इवन जब हम लोग साथ में घूमते हैं लाइक जब तू उसके साथ क्लोज होती मेरे को अच्छा नहीं लगता. यू नो आई गेट इट लाइक तुझे तू उसको चूज कर सकती है बट लाइक स्टिल मुझे मूव ऑन करने के लिए लाइक चीज़ें रोकनी पड़ेगी. ओके लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं तेरे को जब मैं थिंक मेरे कन्फ्यूजन के बारे में सोच लेना एक बार एंड आई विल कॉल यू. ठीक है ठीक है. लव यू बाय. शिट ब्रो नो माय गॉड. लेकिन एक्टिंग तो खराब थी. नहीं मजाक कर रही थी. ओके एक थी जहाँ पर मैंने नाटक किया था कि मेरे को चोट लग गई है और मैंने टेंजी को कॉल किया था एंड उसका कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स था. मैं ये देखना चाहता था कि अगर मेरे को चोट लग जाएगी तो मेरी फ्रेंड किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी. हेलो क्या कर रही है? सुसु करने जा रही थी. अब मैं ये बता रहा. सुन मेरी बात सुन जल्दी ठीक है. क्या क्या हुआ? मेरा ना एक्सीडेंट हो गया स्केटबोर्ड करते करते और मेरा हार्ट टूट गया. और क्या? अबे मेरा हार्ट टूट गया और मैं कॉल नहीं कर सकता सचिन भाई और मनु से. अबे मेरी गांड फटती है उन लोगों को ऐसे नहीं बता सकता मैं. ठीक है अबे मेरी गांड फटती है. मैं तेरे को कैसे बताऊं मेरा दर्द हो रहा है यार. अबे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बहुत. सुनना अबे सुन तो ले. अबे तू चिल्ला रही है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है. अबे बेट मेरे हाथ में हाथ दर्द हो रहा. तू हाउस का आ जा मेरे साथ हॉस्पिटल चल. उधर पास में कहीं पे मुझे नहीं पता क्या करना है अभी. कैसी दोस्त है तू? मैं वेट कर रहा था तेरा. तू मेरा हाथ टूट गया तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा? अभी तो अभी अभी हो गया ना जो होना था वो तो हो गया. मेरे को एक्चुअली प्लास्टर चढ़वाना है ठीक है एंड तो मेरे को चाहिए है कोई मेरे साथ में चले. अब मैं पिछले इतनी देर से वेट कर रहा हूँ और मैं सोच रहा अकेले जा नहीं सकता तो मेरे को किस कोई साथ में चाहिए तो आ जाना. मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ ठीक है तो हॉस्पिटल में आ सीधे. ठीक है मैं भी निकल रहा हूँ.
अबे मैं जोक कर रहा हूँ। अबे कॉल कट कर दिया उसने, कॉल कट कर दिया। ओ माय गॉड, ओ भाई उसने कॉल कट कर दिया। रुको 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 भाई, क्या आवाज निकाल रहा था मैं, शर्म नहीं आता। वो ये लिख रही है, अबे मैं स्ट्रीम कर रहा था तो लोगों ने बोला कि टेंजी को प्रैंक कॉल करो, तो इसलिए तो अबे तब तब असली होगा, तब रात के 8 बजे थोड़ा ना हाथ टूटेगा, तब स्ट्रीम के टाइम पे थोड़ा ना टूटेगा। ओके इसके बाद आता है एक और प्रैंक कॉल जो कि बहुत फनी था, ठीक है। इस प्रैंक कॉल में डैश जो है अब वो अपने आप को गे दिखाएगा एंड वो प्रैंक कॉल कर रहा है कुशल को। तो मैं ईडेट स्ट्रीम्स करता हूँ, वहां पे कुशल हमारा कंटेस्टेंट होता है, तो कुशल काफी स्वीट है। तो डेस्क एक्चुअली ऐसे प्रिटेंड करेगा कि उसने कुशल का जो नंबर है ना कहीं से बाहर से निकाला है और उसने कुशल को स्ट्रीम्स पे देखा है एंड कुशल को वो बहुत ज्यादा पसंद करता है एंड डेस्क उसको विदेश ले जाना चाहता है घुमाने के लिए, समझ रहे हो तुम। एंड अगर कुशल नहीं पहचान पाता ये डेस्क है और वो बिलीव कर लेता है बातों पे, तो डेस्क जीत जाएगा। बट ये कुछ इस तरीके से गया। हाय, मैं राज क्रिस बात कर रहा था। कौन? राज क्रिस। राज कौन? राज क्रिस, मैं लाइक एक बंदा हूँ। ओके। कल मैंने आपको ईडेट स्ट्रीम में देखा था। ओके ओके। और आप मुझे बड़े क्यूट लगे। थैंक यू भाई। नंबर कैसे मिला आपको? आपका नंबर यार मैंने एक बंदे से निकलवाया है। पहचान लिया, मैंने बोला था आवाज चेंज करना है। नाटक तो करना था, मैं हार गया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक फनी सा प्रैंक कॉल कंपाइलेशन वीडियो मैंने बनाया था, मुझे बहुत मजा आया था ये सारे प्रैंक कॉल्स करने में। ये सारे प्रैंक कॉल जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए थे। अभी जब मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो June 9 को मैं कर रहा हूँ एक कबड्डी स्ट्रीम जहाँ पे over 20+ क्रिएटर्स आने वाले हैं साथ में कबड्डी खेलने के लिए एक स्टेडियम के अंदर, एंड हम लोग 15 लाख रुपए चैरिटी में कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे लाइफ की सबसे महंगी और सबसे बड़ी स्ट्रीम है। इसको मैं पिछले 2 साल से प्लान कर रहा था एंड इसका ट्रेलर तुम लोगों ने देखा होगा। आई रियली वांट कि तुम इस स्ट्रीम को सक्सेसफुल बनाओ, तो इस स्ट्रीम को मैंने स्केड्यूल कर दिया है। तुम लोग प्लीज जाकर इस स्ट्रीम को लाइक करो एंड देन नोटिफिकेशंस को ऑन करो। आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू कि जब ये स्ट्रीम हो तो सारे लोग इस स्ट्रीम को देखें। हालांकि मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट आई होप अगर हमने इस स्ट्रीम के ऊपर 50,000 से ऊपर की वॉचिंग हिट कर दी तो मेरा जो 1 साल का पूरा सपना था वो पूरा हो जाएगा।